खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 495 AD में भारतीय भिक्षु बुद्धभद्र ने शाओलिन टेंपल की स्थापना की। फिर 32 साल बाद बोधिधर्मन शाओलिन टेंपल पहुंचे। बोधिधर्मन ने चैन बुद्धिज्म का प्रसार किया। कहते हैं कि बोधिधर्मन ने शाओलिन में मॉन्क्स को बीमार और कमजोर पाया, इसलिए उन्होंने कुछ एक्सरसाइज भिक्षुओं को सिखाई जो उन्होंने पहले भारत में विकसित की थी, जिन्हें बाद में यी जिन चिंग कहा गया। इन एक्सरसाइज से शाओलिन के भिक्षु फिट रहने लगे और लंबे समय तक ध्यान करने में सक्षम हुए। इस समय शाओलिन मॉन्क्स के सामने दो चुनौतियां थी। घने जंगल में कई डाकू और चोर छिपा करते, जो अक्सर शांतिप्रिय मॉन्क्स को परेशान करते। दूसरी चुनौती थी कि पास के जंगल में कई जानवर भी थे जिनसे जान का खतरा बना रहता। फिर शाओलिन मॉन्क्स ने शिष्यों के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन ढूंढा कि क्यों ना हम जानवरों से लड़ाई की शैली सीखें। कुछ मॉन्क्स ने जानवरों के लड़ने की शैली को एनालाइज किया और उनके मूव्स को कॉपी करना शुरू कर दिया। इसके बाद मॉन्क्स ने पाया कि नई तकनीक से वे खुद से ज्यादा ताकतवर और अनुभवी फाइटर्स को आसानी से हरा पा रहे हैं। कुछ ऐसी ही कहानी है शाओलिन वॉरियर वांग लैंग की। वांग लैंग पिछले कई सालों से कुंफू का अभ्यास कर रहे थे, लेकिन वो एक बार में एक से ज्यादा फाइटर्स को नहीं हरा पा रहे थे। एक बार जंगल से गुजरते वक्त वांग लैंग ने देखा कि एक छोटा सा प्रेइंग मेंटिस अपने से 3 गुना बड़े कीड़े को लड़ाई में हरा रहा है। ये देखने के बाद वांग लैंग ने मेंटिस को पकड़ लिया और काफी समय तक मेंटिस के मूव्स और तरीकों का अध्ययन किया। वांग लैंग ने पाया कि मेंटिस लड़ने के लिए अधिकतर हाथों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद वांग लैंग ने नई कुंफू टेक्निक विकसित की, जिसमें मेंटिस के साथ साथ बंदरों के पैरों की स्टाइल जोड़ी और कई जानवरों के मूव जोड़कर नई टेक्निक ईजाद की। जब वे इस नई फाइटिंग स्टाइल में पारंगत हो गए, तब उन्होंने शाओलिन लौटकर कई अनुभवी मॉन्क्स को एक साथ परास्त किया। शाओलिन के हेडमास्टर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रेइंग मेंटिस स्टाइल को कुंफू में शामिल कर लिया, और 800 साल बाद आज भी ये कुंफू की खास टेक्निक्स में से एक है। शाओलिन टेंपल का इतिहास काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। शासकों को शाओलिन की बढ़ती ताकत और युद्ध कौशल से भय था, इसलिए कई बार शाओलिन टेंपल जला दिए गए। उनकी किताबें, लेख और धरोहर समय समय पर नष्ट किए जाते रहे। कई बार मॉन्क्स को कैदी बनाया गया। फिर 1980 के दशक में 2 मूवीज रिलीज हुई, द 36th चेंबर ऑफ शाओलिन और जेटली की शाओलिन टेंपल। ये दोनों मूवीज हिट रहीं, जिसके बाद शाओलिन और कुंफू दुनिया भर में प्रसिद्ध हुए। मास्टर शेंगी कहते हैं कि केवल कुंफू शाओलिन मॉन्क्स को खास नहीं बनाता। आज शाओलिन मॉन्क्स पर कई मूवीज और डॉक्यूमेंट्रीज बनती हैं, क्योंकि इनके व्यक्तित्व में कुछ आकर्षण है, सामान्य लोगों से कुछ अलग है जो आप महसूस कर सकते हो। वॉरियर एनर्जी। इस बात को ऐसे समझिए, हर किसी की यात्रा में एक ऐसा समय जरूर आता है जब फेलियर्स के बाद फेलियर्स के बाद फेलियर्स आते हैं। इस बीच समझ नहीं आता कि किस कमी के कारण हम फेल हो रहे हैं। क्या हमारे अंदर डिसिप्लिन की कमी है, साहस की कमी है, या तैयारी की कमी है? इस समय अधिकतर लोग हार मान जाते हैं। मास्टर शेंगी कहते हैं, लेकिन हम सबके अंदर कुछ है जो फेल नहीं होना चाहता। हम सबके अंदर एक स्पिरिट मौजूद है जो तीसरी के बाद चौथी बार फेल नहीं होना चाहती, और जो इस स्पिरिट का उपयोग करना जानता है वही एक वॉरियर होता है। यही भावना एक शाओलिन वॉरियर और एक सफल इंसान में होती है, जो दूसरे लोगों में सोई होती है, और यही स्पिरिट अंतर और आकर्षण पैदा करती है। ये वॉरियर स्पिरिट हमारे अंदर पैदा कैसे होगी? अनवेवरिंग कमिटमेंट टू द प्रैक्टिस। एक शाओलिन मॉन्क अपनी प्रैक्टिस के लिए हर कीमत पर कमिटेड होता है, और असफलता के बाद भी प्रैक्टिस पर टिके रहता है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि वो अभ्यास के दम पर किसी भी रुकावट को पार कर सकता है। इसी कमिटमेंट का एक छोटा सा उदाहरण है बाओ शू गोंग या मैत्रेय की प्रैक्टिस। इस प्रैक्टिस में शाओलिन मॉन्क छोटी उम्र में एक पेड़ चुनते हैं, फिर हर दिन और दिन में कई बार इस पेड़ को कस के पकड़ के जमीन से उखाड़ने की कोशिश करते हैं। महीनों निकल जाते हैं लेकिन कुछ नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिस जारी रहती है। 1 साल के अंदर भिक्षुओं के बाजू, सीने, पेट और जांघों की मसल्स इतनी ताकतवर हो जाती हैं कि वे पेड़ के तने को हिलाने लगते हैं। शाओलिन स्टूडेंट्स जीवन भर ये अभ्यास करते हैं और छोटे बड़े पेड़ को उखाड़ने की ताकत विकसित कर लेते हैं।
अभ्यास पर कमिटमेंट के चलते शाओलिन मॉन्क्स इतनी ताकत विकसित कर लेते हैं कि अगर वे किसी व्यक्ति को जकड़ लें तो उसे भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। शाओलिन टेम्पल का दूसरा प्रिंसिपल जिससे हम सीख सकते हैं वो है द प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंट मूवमेंट। शाओलिन मास्टर प्रेजेंट मूवमेंट की बड़ी सुंदर डेफिनेशन देते हैं। इस मूवमेंट को स्वीकार करो, जो कुछ इस मूवमेंट में है, इससे जुड़ा हुआ है, उसे स्वीकार करो। ये मूवमेंट तुमको जहां ले जा रहा है उसे स्वीकार करो, फिर इसे तत्काल जाने दो। शाओलिन में सिखाते हैं कि अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी चीज प्रकट हो रही है जो आपको पसंद है तो इसे अपनी ओर मत खींचो, डोंट पुल। और कुछ ऐसी चीज जो आपको पसंद नहीं है, जिसे आप तुरंत रिजेक्ट करना चाहते हो, तो आप इसे दूर मत धकेलो, डोंट पुश। यहां ना खींच है ना तान है, इसी को कहते हैं प्रेजेंट मूवमेंट। शाओलिन मॉन्क सुबह उठकर विशेष रूप से कीगोंग का अभ्यास करते हैं। कीगोंग की प्रैक्टिस में शाओलिन मॉन्क शरीर और सांस पर फोकस करते हुए प्राण शक्ति यानी की को पूरे शरीर में प्रभावित कराते हैं और इस समय पूरी तरह प्रेजेंट रहते हैं। दोस्तों, आप भी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए सूर्य नमस्कार, योग और कीगोंग की मदद से हर दिन सुबह प्रेजेंट मूवमेंट में रहने का अभ्यास कर सकते हो। शाओलिन टेम्पल का तीसरा प्रिंसिपल है एक्सेप्टेंस। शाओलिन में कहते हैं, खुद को शून्य बनाओ, टर्न योरसेल्फ इनटू जीरो। तकलीफ, संकट, डाउट, किसी को कंट्रोल करने की इच्छा मत करो, सब कुछ जाने दो, केवल अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा रखो। जब भिक्षु शाओलिन टेम्पल में प्रवेश करते हैं तो भिक्षु 3 बार दंडवत प्रणाम करते हैं। यह शरीर, मन और भावनाओं पर कंट्रोल छोड़ने का यानी स्वीकारने का प्रतीक है। स्वीकारने से मन को शांति मिलती है। एक्सेप्टेंस लीड्स टू इनर पीस। जब आप अपनी अच्छाइयों और बुराइयों दोनों को स्वीकार कर लेते हो, तब आप दूसरों को भी माफ कर देते हो। इसलिए एक्सेप्टेंस से मन को बहुत शांति मिलती है। शाओलिन मॉन्क्स इसकी अनोखी प्रैक्टिस करते हैं। सर्दियों में वे नदी के ठंडे पानी में बैठ या लेट जाते हैं और पानी को अपने से ऊपर बहने देते हैं। इस अभ्यास को पूरा करने के लिए मॉन्क्स को स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ, पानी है और ठंडा है, शरीर को कष्ट दे रहा है और बहता जा रहा है। पानी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और इसलिए दर्द के प्रति कोई रिएक्शन नहीं है। इस अभ्यास से भिक्षु 2 बातें सीखते हैं कि चीजें लगातार बदल रही हैं और इनसे हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है। दूसरी बात, आपको दर्द से लड़ने की जरूरत नहीं है, बस इसे स्वीकारने की जरूरत है। इससे मन में नेगेटिव विचारों की साइकिल शुरू नहीं होती। शाओलिन मॉन्क्स का अगला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ माइंड कंट्रोल। शाओलिन मॉन्क्स जानते हैं कि यह मन ही है जो शरीर को ताकतवर और कमजोर करता है। वो जानते हैं कि मन पर कंट्रोल करने से स्वयं के साथ साथ आसपास की चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं और यही मन इंसान को अपराजेय बनाता है। राजयोग में स्वामी विवेकानंद भी यही कहते हैं कि आपको दूसरों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, आपको केवल अपने मन को कंट्रोल करना है। बाकी आपके आसपास सब और परिस्थितियां, सब कुछ अपने आप कंट्रोल में आ जाएंगे। शाओलिन मॉन्क्स जानते हैं कि मन की ताकत शरीर, सांस और विचारों में फैली हुई है। वे कुंफू के अभ्यास से इन तीनों शक्तियों को एक करते हैं। शाओलिन में कहते हैं कि भिक्षु में इतना धैर्य होना चाहिए, इतना कंट्रोल होना चाहिए कि जब वो अपने अंदर सबसे बुरा महसूस कर रहा हो तब भी अपना सबसे बेस्ट करने की कोशिश करे। मन पर ऐसा कंट्रोल विकसित कैसे होता है? शाओलिन दर्शन में कहते हैं, डिसिप्लिन लीड्स टू सेल्फ कंट्रोल। माइंड कंट्रोल पाने के लिए हमें 3 चीजों में डिसिप्लिन लाना है, अपने विचारों में, भावनाओं में और एक्शंस में, तीनों में डिसिप्लिन रहना है। अगली बात जिससे हम सीख सकते हैं वो है शाओलिन भिक्षुओं का डेली रूटीन। भिक्षुओं का डेली रूटीन बहुत इंटेंस है, लेकिन इसमें खास बात है जो हमको सीखनी चाहिए। शाओलिन भिक्षु सुबह 5 बजे उठते हैं और 5:15 से पहली प्रैक्टिस सिटिंग कीगोंग शुरू हो जाती है और रात को 11 बजे तक कुंफू एक्सरसाइज, बुद्धिस्ट क्लासेस, शाओलिन टेम्पल वगैरह के काम चलते रहते हैं। बीच में 2 घंटे लंच और आराम करने के लिए मिलते हैं, लेकिन खास बात यह है कि सोने से ठीक 2 घंटे पहले रात को 9 से 11 बजे तक शाओलिन मॉन्क्स कुंफू की सारी प्रैक्टिस, सारे मूव्स और एक्सरसाइज को रिव्यू करते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं छूट रही, क्या हमारा बेसिक्स पे कंट्रोल है,
क्या हम और बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों, हर रात 2 घंटे अपनी प्रैक्टिस को रिव्यू करना, छोटी छोटी कमियों और बारीकियों को दोबारा स्टडी करना एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। इस काम से आप बहुत जल्दी किसी भी चीज़ में मास्टरी हासिल कर सकते हो, क्योंकि हम सामान्य जीवन में बस जल्दी जल्दी काम करते हैं, कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे काम में अभ्यास में क्या कमी है, क्या हमारा बेसिक्स पर कंट्रोल है। हम कभी ये नहीं सोचते कि एक छोटी गलती हमारी कितनी प्रोग्रेस रोक रही है। अगर हम हर रात केवल 15 मिनट अपनी प्रैक्टिस और अपना आचरण रिव्यू करें, ये सोचें कि आज हमने क्या सीखा, क्या हमारे सीखने का तरीका और बेहतर किया जा सकता है, तो हमारे बेहतर होने की गति में बहुत तरक्की होगी। समरी, दोस्तों, इस वीडियो से 5 प्रिंसिपल्स अपने साथ लेकर जाइए। पहला, अनवेवरिंग कमिटमेंट टू प्रैक्टिस। तकलीफ, संकट, डाउट, किसी को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, सब कुछ जाने दो, केवल अपनी प्रैक्टिस पर भरोसा रखो। दूसरी बात, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंट मोमेंट। जो आपको पसंद है उसे अपनी ओर खींचो मत, जो आपको पसंद नहीं है उसे दूर मत धकेलो। जो कुछ इस पल में है, इससे जुड़ा हुआ है, जहां ये पल ले जा रहा है, उसे स्वीकार करो और फिर जाने दो। तीसरा, प्रिंसिपल ऑफ माइंड कंट्रोल। मन ही शरीर को ताकतवर और कमजोर करता है, मन ही इंसान को अपराजेय बनाता है। मन पर कंट्रोल कैसे विकसित होता है? चौथा प्रिंसिपल, डिसिप्लिन लीड्स टू सेल्फ कंट्रोल। हमको अपने विचारों में, भावनाओं में और एक्शंस में, तीनों में डिसिप्लिन रहना है, क्योंकि शाओलिन में कहते हैं कि बिना डिसिप्लिन के कोई गोल पूरा नहीं होता। पांचवी बात, रिव्यू डेली प्रैक्टिस। हर रात 15 मिनट अपनी प्रैक्टिस रिव्यू करें, सोचें कि क्या हमारे बेसिक्स स्ट्रांग हैं, हम कौन सी गलती हर दिन दोहरा रहे हैं और इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं। ऐसा करने से हमारे सीखने की स्पीड में बहुत तरक्की होगी। दोस्तों, हम खुद को जैसी कहानी सुनाते हैं वैसे बनते जाते हैं, इसलिए नया भविष्य बनाने के लिए हमें भविष्य से नई कहानी सुनाने की जरूरत है। कैसे? इस वीडियो को जरूर देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।